जहां पर कांग्रेस और भाजपा के लोग बोलेंगे कि अगर मजलिस के इंशाल्लाह 11 के 11 जीत जाते हैं तो क्या होगा, बोलेंगे क्या होता है, तो इनको जवाब दो आप। और आपको पैगाम दे रहा हूं कि जब भारत की पार्लियामेंट में 542 मेंबर्स हैं और उन मेंबर्स में सिर्फ दो आपके नुमाइंदे हैं, एक का नाम सैयद इम्तियाज जलील और दूसरे दीवाने का नाम असदुद्दीन ओवैसी, और जब हम दोनों में से कोई एक खड़े हो जाता है गरीबों की इंसाफ के लिए, मजलूमों के जुल्म को रोकने की बात हम करते हैं, ट्रिपल तलाक के गलत कानून के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, दिल्ली दंगों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई, अगर कहीं पर कुछ होता है दलितों पर, आदिवासियों पर, अल्पसंख्यक समाज पर, तो आप YouTube में जाकर देखिए, 5 मिनट की तकरीर का मौका हमको मिलता है। अल्लाह के फजलो करम से 5 मिनट में मंदलिस के ये नुमाइंदे भारत की लोकसभा की ईंट से ईंट हिलाकर रख देते हैं और आपके हक की बात करते हैं। तो ये मिजाज आपको पैदा करना है, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। बुरहानपुर में आप यहां पर आबादी 7.5 लाख की है और 7.5 लाख की आबादी के लिए आप जानते हैं कि यहां पर सिर्फ 16 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है, बहुत से मसाइल हैं। यहां का बजट जो सोहेल साहब ने हमको बताया कि करीब 5 अरब 36 करोड़ रुपए का बजट है और सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ एक है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और कोशिश ये करें कि भाजपा और कांग्रेस को आप शिकस्त देकर मजलिस के 14 उम्मीदवार और मेयर की सीट से बुरहानपुर से मजलिस को कामयाब करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस को कामयाबी हासिल होगी। नौजवानों को मैं ये पैगाम देना चाह रहा हूं कि आप यहां पर जरूर आए हैं, मगर याद रखिए सिर्फ यहां पर आकर अगर आप पोलिंग के दिन सुबह में नहीं निकलेंगे तो आपकी जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब नहीं हो सकती है। तो नौजवानों, मैं आपको एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूं कि 6 जुलाई के दिन आप ना सिर्फ अपना वोट डालने जाएंगे बल्कि आप अपने साथ अपने वालिद, अपनी वालदा, अपने अफराद खानदान सबको साथ लेकर आप पोलिंग बूथ को जाकर वोट डालेंगे। आप जाएंगे ना वोट डालने, आप अपने पूरे अफराद खानदान फैमिली को लेकर जाएंगे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। आप मजलिस के उम्मीदवार हैं, आप मेयर के कैंडिडेट हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है कि सुबह सुबह आप अपने घर से निकलेंगे, उस दिन आप नमाज फजर पढ़कर फौरन पोलिंग बूथ को जाएंगे, पूरा पुरमन रखेंगे, अमन को मजबूत करेंगे और मजलिस को कामयाबी से हम किनार करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये भी बताने आया हूं कि मध्य प्रदेश में बल्कि बुरहानपुर में आवाज योजना है, अमृत योजना है, यहां पर इतना करप्शन उसमें है कि ना आवाज योजना में गरीबों को घर मिलता है और ना अमृत योजना में कोई सही काम होता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर को और 14 उम्मीदवारों को कामयाब करें ताकि गरीबों को उनका मुकाम मिल सके, ताकि गरीबों को उनका हक मिल सके।